विचार शक्ति का प्रयोग करके रोज अस्तित्व और गुरुजी को धन्यवाद देकर कई चमत्कार देखा है। थैंक यू गुरुजी। वन एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर व्हाइल राइटिंग द डायमंड डायरी व्हाट आई वांट टू अचीव ऑन थ्री इंस्टेंसेस व्हेन आई रोट आई वांट टू अचीव सच ए थिंग इन जनरल इट वाज प्रोग्रेसिंग बट डिले वाज देयर बट व्हेन आई रोट ए डेट इट हैपेंड exactly on that date I understood the value of diamond diary can we use this vichar shakti for others who need if they don't have learned sanjeevani kriya hema chandrasekharan bahut acha lagta hai agar aap mein se koi mere anubhav ko apne roye roye se atmasat karke apne jeevan mein uska prayog karta hai aur itni tatparta se itni nishtha se karta hai ki jaisa aapne likha रोज रोज उसके चमत्कार देखता है। अगर ये चमत्कार दे सकती हैं मेरे अनुभवों का तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति वैसा चमत्कार अपने जीवन में पैदा कर सकता है, प्रकट कर सकता है, और आप भी कर सकते हैं, और आप तो कर ही सकते हैं। सारी पृथ्वी पर कोई आदमी कहीं बैठा हो, ये इतने वैज्ञानिक प्रयोग हैं मेरे, जिनको मैं हजार बार प्रयोग करके हजार बार उनका परिणाम देख चुका हूं। उसके बाद ही मैं आपसे कहता हूं, गुरु ने मुझसे वचन लिया था कि कभी कोई किताबी बात मत समझाना किसी को, जिसको स्वयं प्रयोग कर लेना, जिसका परिणाम पा लेना, अगर उस अनुभव को किसी दूसरे के हृदय तक पहुंचाओगे तो वह व्यक्ति ही तुम्हारे संदेश को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएगा। आपने अपने प्रश्न में पूछा है कि डायमंड डायरी का उपयोग करती हैं आप। डायमंड डायरी वो डायरी है जिसमें मैं कहता हूँ बाएं पेज पर लिखो व्हाट आई वांट टू अचीव। हर रोज प्रातःकाल सोकर उठते ही डायमंड डायरी में बाएं पेज पर लिखिए व्हाट आई वांट टू अचीव, और जो भी आप पाना चाहते हैं, जिसको पाने की प्यास आपके प्राणों में है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, आप निस्संकोच ये मत सोचिए कि आपके पास संसाधन हैं, क्षमता है उसे पाने की अथवा नहीं, सिर्फ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को, बाएं पेज पर लिखिए आई वांट टू अचीव। डायमंड डायरी में ऐसी व्यवस्था है, आप उन सारी चीज़ों को इस भाव से लिखते जाइए कि ये मेरे गुरु का दिया हुआ वचन है, जो मैं इसमें लिखूँगा वो 100% पूरा होगा। सिर्फ आप उसमें निष्ठा के साथ लिखिए, और दाहिने पेज पर उसी समय प्रातःकाल सोकर उठते ही आपको लिखना है आई एम थैंकफुल फॉर, मैं अपने जीवन में निम्न चीज़ों के लिए जो मुझे मिली है, अस्तित्व को, सदगुरु को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। 10 अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको आज तक मिली हुई है, जिनके लिए वास्तव में आपके प्राणों में धन्यवाद का भाव पैदा होता है उसको याद करते समय, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। 10 तो मैं कहता हूँ, आपके जीवन में हजारों चीज़ें होगी, लेकिन 10 सबसे बड़ी चीज़ें चुनिए और लिखिए आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के 10 बिंदु लिखते लिखते आप अगर दिल से लिखेंगे 5 मिनट, तो इतना गदगद हो जाएंगे कि वो 5 मिनट जब आप लिखेंगे आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ, उस समय उन चीज़ों की याद करेंगे। किन चीज़ों की? जो अच्छी अच्छी बहुत असाधारण चीज़ें आपको परमात्मा ने दी हैं। जब उन चीज़ों को आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने बड़े कृपा पात्र हैं परमात्मा के, सदगुरु के, और उनको लिखते लिखते आपके भीतर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसका परिणाम यह होता है कि जो आपने बाएं पेज पर लिखा है, उस सब को पाने की पात्रता आपके भीतर पैदा हो जाती है। ये उसका विज्ञान है। दाहिने पेज पर लिखना आई एम थैंकफुल फॉर, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी क्षण आपकी सच्चे अर्थों में पूजा भी हो जाती, प्रार्थना भी हो जाती। अलग से फिर प्रार्थना करने की, गीता कुरान बाइबल का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रार्थना का अर्थ कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से झुक जाना होता है। जब आप लिखते हैं आई एम थैंकफुल फॉर, तो आप कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से झुक जाते हैं। और जब ये धन्यवाद के भाव से झुक जाते हैं, तो एक फीलिंग आपके भीतर प्रवेश करती है कि जो आपने बाएं पेज पर लिखा है आई वॉन्ट टू अचीव, आपको मेरा वचन याद आता है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है जो भी आपने इसमें लिखा है उसको पाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखो तो। और जिसने भी निष्ठा से किया है, जाने कितने असंभव चीज़ें उनके जीवन में मिली, हमें तो रोज़ रोज़ मिलती रही हैं। मैंने कहा हजारों चीज़ों पर जब कोई प्रयोग सफल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग। वो कहते हैं कि प्रोवन बाय साइंस, और साइंस का कोई दूसरा अर्थ नहीं। तो डायमंड डायरी में दाहिने पेज पर आप लिखते हैं आई एम थैंकफुल फॉर, बाएं पेज पर व्हाट आई वांट टू अचीव। आपको पता है आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने की वाइब्रेशन आपके भीतर से ब्रह्मांड में जाती है, और जब वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है तब ब्रह्मांड विवश हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी पर उस चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए। ये वाइब्रेशन का खेल है। किस चीज़ की वाइब्रेशन जाएगी, जिस चीज़ को आप फील करते हैं स्वयं पाने के लिए। आप अपने लिए तो फील कर सकते हैं, कुछ भी पाना है उसको पाने की फ्रीक्वेंसी, उसको पाने की वाइब्रेशन आप ही फील कर सकते हैं। दूसरा आदमी आपके लिए फील कर सकता है, नहीं फील कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ मिलेगी तो उसको पाने की खुशी किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, आप पाना चाहते हैं उसको। लेकिन आपने पूछा है कि मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरे आदमी के लिए डायमंड डायरी में लिखूँ और उसको वो चीज़ मिल जाए, या उसका वो काम हो जाए, उसकी वो आकांक्षा पूरी हो जाए थर्ड पर्सन की। यू कैन नॉट फील फॉर द थर्ड पर्सन, यू कैन नॉट सेंड वाइब्रेशंस टू द यूनिवर्स ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पर्सन। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट एनी मिरेकल इन द लाइफ ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज नॉट ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटिंग विद यू। आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा विज्ञान मैंने दिया है। और मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे धन्यवाद के भाव से भरे होने का अभ्यास करें, कृतज्ञता के भाव से भरे होने का अभ्यास करें। और जब आप कृतज्ञता के भाव से भरे होंगे, नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से भागेगी। ज़िंदगी में असंभव से असंभव चीज़ों को पाने का एक ही रास्ता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता न हो और आप हर पल आनंदित रहें, हर पल गुड फील करें। और हर पल गुड फील करने के लिए मैंने आपसे बताया कृतज्ञता के भाव से भरे होना सबसे शक्तिशाली औषधि है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा होता है वही व्यक्ति हर पल आनंदित रहने के अनुभव को भी प्राप्त कर पाता है। और जो व्यक्ति हर पल आनंदित रहना सीख लेता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आती हैं, असंभव भी संभव होने लगता है।